नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट रिजल्ट 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 5 अप्रैल 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी टेट रिजल्ट की लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे और इस समय के दोस्तों बड़ी अपडेट भी हम आपके सामने रखेंगे। जूनियर एडेड शिक्षक अभ्यर्थियों ने 6,000 पदों पर नियुक्तियों की मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। ज्ञापन देने दोस्तों जा रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोक लिया और आप देख सकते हैं कि सीएम आवास पर ज्ञापन देने जा रहे थे अभ्यर्थी। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का परिणाम इसी सप्ताह जारी होगा। तो आज देखिए हमारा मंगलवार हो चुका है, तो बहुत ही जल्दी दोस्तों अब हमारा रिजल्ट जारी होने वाला है और इसीलिए हमने कमेंट बॉक्स में आप सभी छात्रों के लिए भैया लिंक दे दिया है। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा सबसे पहले आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वेबसाइट डाउन पड़ जाए। लाखों बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट जारी होगा। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दें, मदरसों से खत्म होंगे दीनी तालीम देने वाले 5,339 शिक्षकों के पद। तो भैया यहाँ पर भी देखिए कुछ पद को खत्म किया जा रहा है। उसके बाद देख सकते हैं सीटेट जुलाई 2022 के लिए कब से शुरू होंगे आवेदन। तो गाइस देखिए अप्रैल का महीना हमारा शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि अप्रैल में ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ठीक है? क्योंकि फिर मई जून जुलाई जुलाई में ही पेपर होता है और अभी कोरोना के मामले काफी कम है, तो हो सकता है दोस्तों कि हमारा पेपर समय से करा लिया जाए। अभी दोस्त ये डाउट है कि पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन पेपर कराने में देखिए काफी ज्यादा दिक्कतें आई, बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सेंटर काफी ज्यादा दूर बना दिया गया बच्चों का, जिस वजह से हजारों बच्चों को अपना पेपर छोड़ना पड़ा। हजारों क्या कहिए, लाखों की संख्या में बच्चों ने पेपर छोड़ दिया था, तो सोचिए उन बच्चों का नुकसान हुआ। और भैया सीबीएसई सीटेट ने एक भी रुपया बच्चों का वापस नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चों का मानना था कि हमारा पैसा रिफंड होना चाहिए, हम पेपर नहीं दे पाए और सोचिए 1,200-1,200 रुपए बच्चों के डूब गए, ठीक है? तो छोटी छोटी सी लापरवाही जिस वजह से बच्चों को भैया दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देखिए हमारा जो यूपी टेट का पेपर होगा दिसंबर वाला, अभी देखिए उसमें समय लगेगा, ठीक है? पिछली बार दोस्त अक्टूबर में पेपर होने के आसार थे, नहीं हो पाया किसी भी कारणवश। लेकिन इस बार आपको बता दें हमारा यूपी टेट का जो अगला पेपर होगा अक्टूबर तक उम्मीद है कि कराया जा सकता है। तो अगर आपका यूपी टेट का पेपर इस बार ना निकल पाए तो आपको तैयारी जारी रखना है, ठीक है? नई भर्ती की बात करें तो 17,000 पदों पर विज्ञापन की बात कही गई थी, ठीक है? लेकिन दोस्तों अभी भी उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि हाल ही में 1-2 महीने के अंदर इसका विज्ञापन आ जाएगा, तो समय लगेगा। जी हाँ दोस्तों, संघर्ष भी लंबा होगा, उसी के बाद विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। और आपको दोस्तों बता दें भैया आज की डेट में 5 अप्रैल को अभी तक ऐसे कोई आसार नहीं है कि 97,000 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन आएगा। संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं एक वैकेंसी आए, आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द नौकरी मिले, नियुक्ति पत्र मिले, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं तो आप देख रहे हो पेट्रोल डीजल हर चीज की कीमतें बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ती जाएगी दोस्तों, नौकरी मिलेगी नहीं तो क्या होगा। तो ये सब दिक्कतें हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देख सकते हैं आप लोग कि योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में मदरसा शिक्षा बोर्ड में कई बड़े बदलाव करने जा रही है, इस अपडेट को देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो अपडेट है तो इसके बाद हमारा यूपी टेट का रिजल्ट कुछ ऐसा दोस्तों प्यारा सा शो करेगा, क्वालिफाइड हुए या नहीं। देखिए अगर एक बार आप क्वालिफाइड हो गए तो भैया आपको छुट्टी मिल जाएगी, उसके बाद आप लोग सुपर टेट की तैयारी में लग सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जो यूपी टेट की वैधता होगी अब, जो अगर आप क्लियर करें तो उसकी वैधता लाइफ टाइम होगी। एक बार आप परीक्षा पास कर लीजिए उसके बाद छुट्टी, टेंशन फ्री हो जाएंगे आप लोग। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो गाइस इस समय तैयारी में लगे रहिए, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्त, अगर लापरवाही करेंगे तो उसका नतीजा ठीक नहीं होगा, नुकसान आपका ज्यादा हो जाएगा। जिस वजह से यही है कि भैया लापरवाही बिल्कुल आपको नहीं करनी है, परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करनी है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं यूपी टेट का रिजल्ट हमारा कैसा शो करेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा की अपडेट भी हम आपके सामने पहले रख देते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का परिणाम इसी सप्ताह घोषित होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से प्रस्ताव भेजा जा चुका। मतलब सोचिए दोस्तों, एक रिजल्ट हो गया कि क्या हो गया कि बार बार प्रस्ताव ये भेजते हैं, ये नहीं कि रिजल्ट जारी करते। मतलब रिजल्ट आना है कि दोस्तों कोई नियुक्ति पत्र बंटना है छात्रों को कि भैया बार बार ये प्रस्ताव भेजते रहते हैं, ठीक है? बाकी देखिए संशोधित उत्तर कुंजी और परिणाम इसी हफ्ते आने की उम्मीद है। 22 दिसंबर के साथ आदेश के अनुसार 23 फरवरी को संशोधित उत्तर कुंजी और 25 फरवरी को परिणाम घोषित होना था। विधानसभा चुनाव के कारण परिणाम जारी नहीं हो सके थे। चुनाव के बाद शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल गठन में समय लग गया। सूत्रों के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने तैयारी पूरी कर ली है,
शासन की अनुमति मिलने के बाद परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया कितना ज्यादा यह लेट लतीफी की जा रही है। एक रिजल्ट हो गया कि क्या हो गया है कि इतना ज्यादा मतलब ये बार बार प्रस्ताव भेजेंगे, जब तक शासन की अनुमति नहीं मिलेगी रिजल्ट तक नहीं आ पाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब यूपी टेट का रिजल्ट आने में कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं, तो जब आप सुपर टेट का भैया पेपर देंगे तो उसका रिजल्ट में क्या दिक्कतें आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये सब बातें का है, इसीलिए कह रहे हैं अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो भैया नौकरी भूल जाइए, ठीक है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2019 में कोई भर्ती नहीं निकली, 2020 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती कुछ नहीं है, 2021 आपका बेकार चला गया, 2022 अब चल रहा है, ठीक है? 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया, तो याद रखिएगा 19, 20, 21 3 साल आपके बर्बाद हो गए हैं। 2017 बैच के छात्र अभी तक इंतजार कर रहे हैं, बीटीसी 2015 बैच के भी छात्र हैं जिनका उस समय बीटीसी क्लियर हो गया था या कुछ बच्चों की बैक लग गई थी जिस वजह से वो बाहर हो गए थे नई भर्ती से। सोचिए उन बच्चों का इंतजार कितना लंबा हो गया। इसीलिए गाइस कहा जा रहा है कि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, एक छोटी सी लापरवाही होगी और कितना लंबा आपको इंतजार करना पड़ेगा। और इस बार अभी देखिए यूपी टेट का भी रिजल्ट आ रहा होगा, तो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका टेट क्लियर नहीं होगा। तो गाइस यही सब छोटी छोटी आपसे गलतियां होती हैं, तो अगली बार जब आप सी टेट का पेपर देने जाए तो तैयारी पूरी होनी चाहिए, 100% तैयारी के साथ जाइए। 99% से नहीं काम चलेगा कि अगर 1% भी आसार नहीं होनी चाहिए कि आपकी बैक लगे आप फेल हो, ठीक है? क्योंकि भर्ती बार बार नहीं निकलती। बीटीसी 2015 बैच में भी यही हुआ, कुछ बच्चों से छोटी सी लापरवाही हुई और सोचिए वो बच्चे तब से आज तक इंतजार कर रहे कि नई भर्ती का विज्ञापन आए, ठीक है? तो गाइस इसीलिए कहते हैं तैयारी अच्छी रखिए कि एक ही बार मौका मिलता है, उसी में आर या पार करना है। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है तो उसके लिए हम आपको वेबसाइट बता देते हैं, dlrizult.com। स्पेलिंग जरा ध्यान रखिएगा, DELED DLEDRESULT RESULT.com। dlrizult.com वेबसाइट के माध्यम से भी आप लोग अपना रिजल्ट सबसे पहले और सबसे आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है? आसान वेबसाइट है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर और आपको लिंक इसका मिल जाएगा, डीएलएड रिजल्ट 2022 का। वहां पर जाकर आप अपना यूपी टेट सी टेट का रिजल्ट डिजी लॉकर से सर्टिफिकेट सब कुछ डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी देखिए जो और अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, फिलहाल आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। और जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी, जी हाँ दोस्तों आधिकारिक अपडेट आएगी, वो अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक हम सबसे पहले पहुंचाए। और देखिए हर एक दिन की अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो कोई भी अपडेट कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है? तो सीटेट जुलाई की आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होगी, तैयार रहिए। और यूपी टेट का रिजल्ट तो वैसे आने ही वाला है। बाकी देखिए दिक्कत क्या है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेपर सब कुछ अच्छा होता है लेकिन छोटी मोटी गलती हो जाती है ओएमआर में, जिस वजह से उनका रिजल्ट इनवैलिड हो जाता है। तो जब तक रिजल्ट डाउनलोड ना हो जाए तब तक थोड़ी बहुत टेंशन आप में बनी रहेगी। मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।